हेलो गाइस, वेलकम टू एन आर एस पैक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग किस तरह से अपने मी या रेडमी के किसी भी फ़ोन में एप्लीकेशन को बिना पासवर्ड के खोल सकते हैं। अगर आप अपने मी या रेडमी के फ़ोन के एप्लीकेशन का लॉक भूल चुके हैं तो उसे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे उसे क्रैक करेंगे, कैसे उसे चेंज करेंगे पासवर्ड, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। एंड वीडियो में मैं आपको एकदम लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे चेंज होता है पासवर्ड, कैसे क्रैक होता है, कैसे खोला जाता है बिना पासवर्ड का। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दे ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सिंह, आप देख रहे हैं एनर्जी फैक्ट। मेरा टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। ऑल राइट गाइस, आपको एकदम स्पष्ट रूप से मेरे मोबाइल का डिस्प्ले शो हो रहा है एंड देख सकते हैं मैं मी का पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। मी का पुराना फोन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई हमारा पुराना फ़ोन है, हमारे पुराने फ़ोन में ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं पुराने फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ आपको। एंड इसी तरह आप किसी भी एमआई के फ़ोन में मी के फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं रेडमी के फ़ोन में। ये शाओमी का रेडमी 4 फ़ोन है एंड मैंने इस ऊबर एप्लीकेशन में ऐप लोग लगा रखा है, मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ ऊबर एप्लीकेशन। देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लगा हुआ है पैटर्न, एंड मुझे इसका पैटर्न याद नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा, मिनिमाइज़ करूँगा। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि सबसे मेन चीज़ है इस वीडियो के अंदर, एंड अगर वो आपने कर रखा है तभी ये एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगा, अगर नहीं कर रखा है तो आपका सेटिंग अनलॉक है तब कर सकते हैं। उसका क्या है, आपको एमआई अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। अगर आपने एमआई अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, अगर एमआई अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया तो आप क्रिएट कर लो अगर आपका सेटिंग अनलॉक है तो। देख सकते हैं मैं एमआई अकाउंट क्रिएट कर रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कोई नंबर आता है मेरे अकाउंट का। एंड यहाँ पे आपको जाना लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में, मैं एप्लीकेशन में आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं दे सो रहा था, बट यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड पासवर्ड में क्लिक करना है, यूज़ प्राइवेसी पासवर्ड एंड प्रोटेक्शन में। यहाँ पे आपको नीचे फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं अगर आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एमआई अकाउंट फिल करके अपना पासवर्ड जो है पैटर्न पासवर्ड ऐप लॉक का उसे आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सेटिंग अनलॉक कर सेटिंग लॉक कर रखा है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन है उस पर जाना है। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको चार बार कम से कम आपको रॉन्ग पासवर्ड डालना है, दो बढ़ा दिया तीन, यानी मैं फोर्थ बार डालता हूँ चौथा बार। देख सकते हैं हमें फॉरवर्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, अब तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करके एम आई का जो पासवर्ड याद है फिल करके आप ओके कर सकते हैं। अगर आपने अपने पासवर्ड क्रिएट किया ही नहीं है या अपने पासवर्ड क्रिएट करके भूल गए हैं तो आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड वहाँ से आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, फॉरवर्ड पासवर्ड जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आएगा, मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना होगा अपना। एंड यहाँ पे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपना इंडिया, एंड यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना, जिस नंबर पर हमारा अकाउंट है वो फ़ोन नंबर डाल लेना है। एंड कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं, डाल के नेक्स्ट करके ओटीपी फिल करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एंड मैं अभी आपको अपना पासवर्ड फिल करके दिखाता हूँ उसमें किस तरह से ये अनलॉक होता है। सो गाइस, मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है, देख सकते हैं, एंड मैं अभी ओके पे क्लिक करता हूँ। एंड जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगा, नया साइट खुल जाएगा एंड यहाँ अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ कोई पासवर्ड क्रिएट, अरे यार मैं पासवर्ड बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मैं कुछ ईजी रखता हूँ, सॉरी, हाँ इस तरह से रखता हूँ, एन कैपिटल सॉरी कशिप एन रख देता हूँ, जिसका पासवर्ड मैं ये पासवर्ड मैं हमेशा याद रखता हूँ तो मैं ये पासवर्ड लगा देता हूँ। एंड इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, दो बार क्लिक करके देख सकते हैं ये पासवर्ड फिल करेंगे तो आपका ऐप लॉक अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है तो जाके इसे ऑफ भी कर सकते हैं पासवर्ड फिल करके सेटिंग में जाके। तो इसी तरह से होता है एप्लीकेशन अनलॉक। एंड इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप एम आई अकाउंट क्रिएट कर रखे हो, अगर सेटिंग अनलॉक है तो आप एम आई अकाउंट दोबारा भी क्रिएट कर सकते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एम आई अकाउंट इसमें सबसे मेन है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।